मैं तो शाहरुख और काजोल। शोले 2 बननी चाहिए और उसमें वीरू और जय, शाहरुख और सलमान और गब्बर मैं। शाहरुख खान और काजोल फिर से देखते हैं। शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी टुगेदर अगेन। कार्तिक आर्यन, श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार और विद्या बालन। हाय गाइस, दिस इज प्रिशा व्यास एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज मैं आई हूँ हमारी आम ऑडियंस से पूछने कि उन्हें कौन से दो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की जोड़ी ऑन स्क्रीन एकदम हॉट सिजलिंग लगेगी और कौन से दो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस एक साथ धमाल मचा देंगे। आइए जानते हैं हमारे ऑडियंस से। सर, आप बॉलीवुड देखते हो? बिल्कुल देखता हूँ। तो आप कौन से दो एक्टर एक्ट्रेसेस या एक्टर एक्टर की जोड़ी एक साथ देखना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शोले 2 बननी चाहिए और उसमें वीरू और जय, शाहरुख और सलमान और गब्बर मैं और ये होगा। सर, बट अब कॉमेडी में किसकी जोड़ी ज्यादा पसंद करेंगे और देखना चाहेंगे? कॉमेडी में तो आमिर सही है, जैसे अंदाज अपना अपना 2 बननी चाहिए। हाँ? और आमिर के साथ कार्तिक। कार्तिक, या ही इज गुड। और रोमांस में आशिकी 2 टाइप बोल रहे हो आप? आशिकी 3 बन तो रही है वैसे, कार्तिक को लेके बोल तो रहे हैं। अगर रोमांस में देखा जाए तो दिल पिक्चर बननी चाहिए, दिल 2 आमिर जी की जो आई थी। किसके साथ? अभी आज की डेट में जो लाइक रणबीर होना चाहिए उसमें। किसके साथ? आलिया, ब्रह्मास्त्र वाली जोड़ी। या। अच्छी रहेगी कास्टिंग। हाँ, थैंक यू। तो कौन से दो एक्टर या एक्ट्रेस को आप एक साथ रोमांस करते हुए देखना चाहोगे? अजय देवगन, काजोल, शाहरुख खान। अजय देवगन और काजल जी को देखना चाहेंगे आप एक साथ? और कॉमेडी में किनको देखना चाहेंगे? विजय पाटकर, परेश रावल। विजय पाटकर और परेश रावल जी को देखना चाहेंगे आप? तो कौन से दो एक्टर और एक्ट्रेस को आप एक साथ रोमांस के सीन में देखना चाहोगे? दो एक्ट्रेस, दो एक्ट्रेसेस। तो वैसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मुझे देखना पसंद करूंगा तो मुझे ऋतिक रोशन अच्छे लगते हैं और रणबीर कपूर। तो आप इन दोनों को रोमांस करते हुए देखना? नहीं नहीं, ये एक्टर है और इनके साथ मैं दीपिका पादुकोण या आलिया अपने या जो भी है इनको देखना चाहता हूँ, अच्छे लगते दोनों। और कॉमेडी में आप किनको देखना चाहेंगे एक साथ अभी फिलहाल में? पुराने वाले भी? अभी पुराने वाले अभी आपको जो अच्छे? पुराने वाले तो जॉनी लीवर साहब का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। और अभी अभी का तो अभी अभी तो कोई भी कर लेता कॉमेडी, क्या बोलेगा, वो तो उतना खास नहीं है, मतलब पहले की बात अलग थी। जॉनी लीवर जी के साथ आप किनको देखना चाहेंगे एक साथ कॉमेडी करते हुए? परेश रावल जी को। क्या बात है। तो सर, आप कौन से दो एक्टर या एक्ट्रेसेस को एक साथ इन रोमांटिक सीन देखना पसंद करेंगे? मैं तो शाहरुख और काजोल, उनको ये देखना पसंद करूंगा वापस से। और इन कॉमेडी आप किनको देखना पसंद करेंगे? इन कॉमेडी अक्षय कुमार और विद्या बालन। ओह हाँ। तो आप रोमांस में किन दो एक्टर्स को एक साथ देखना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू सी, मुझे शाहरुख खान और काजोल फिर से देखते हैं। ओके। और कॉमेडी में आप किन दोनों को देखना पसंद करेंगे? परेश रावल एंड अक्षय कुमार। ओके। जैसे हेरा फेरी हुई थी। या मुझे कबीर सिंह बहुत पसंद है, तो आई वुड लाइक टू सी शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी टुगेदर अगेन। ओके। और कॉमेडी में? कॉमेडी ओल्ड स्कूल है, बट आई लाइक नाना पाटेकर अलोंग विथ जो उनके साथ जो हीरो है ना, आई थिंक अनिल कपूर। यस। कौन से दो एक्टर या एक्ट्रेसेस की जोड़ी आपको लग रहा है ऑन स्क्रीन एकदम हॉट और सिजलिंग लगेगी? कॉमेडी में नहीं, एज अ रोमांस या हॉटनेस में? शाहरुख खान। और उनके साथ एक्टर या कोई और एक्टर? परेश रावल। तो शाहरुख खान और परेश रावल जी को आप एक साथ देखना चाहेंगे? जी। अच्छा। और कॉमेडी में भी परेश रावल अच्छे हैं। उनके साथ आप किनको देखना चाहेंगे? उनके साथ नाना पाटेकर जी को देखना। जी। तो सर, आप बॉलीवुड देखते हो? देखता हूँ। तो आप कौन से दो एक्टर और एक्ट्रेस को एक साथ ऑन स्क्रीन देखना चाहेंगे इन अ रोमांटिक? कार्तिक आर्यन, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर एंड कार्तिक आर्यन। और कॉमेडी में आप किसको देखना चाहेंगे? एज ऑफ नाउ तो अभी कॉमेडी में ऐसा कोई एक्टर नहीं है, मतलब जो बेसिकली पहले वाला जो जूनल था उसमें,
फिर भी हाँ कार्तिक अच्छा कॉमेडी किया है दो तीन पिक्चर में, तो ये भी देख सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। साथ अब किनको देखना चाहेंगे? फिर प्रियंका तो है नहीं अभी इधर, एंड नए में फिर तृप्ति दिमरी है, बोल बुलैया में आई तृप्ति दिमरी है और केरा अडवाणी है, ट्राई कर सकते हैं मतलब कॉमेडी करने के लिए ट्राई। ओके, थैंक यू थैंक यू।